गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ, वार्मली वेलकम टू एलएफसीएस ऑनलाइन क्लास। डियर स्टूडेंट्स, लेसन फाइव, लेसन सिक्स, माय चाइल्डहुड रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम हैज बीन कंप्लीटेड बाय एक्सप्रेशन रीडिंग समरी। PDF of question answer, I think I have not sent to you, but recently I will try to provide PDF of two question answers. But don't worry, you will get PDF. Now let's start poem number 6. No men are foreign. कोई भी आदमी विदेशी नहीं होता, कोई भी आदमी विदेशी नहीं होता। दिस पोएम हैज बीन कंपोज बाय जेम्स फॉलकोनर किरकम। इस पोएम ने पोएट ने इसको लिखा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता। इस पोएम के माध्यम से विद हेल्प ऑफ दिस पोएम द पोएट जेम्स इज ट्राइंग टू कन्वे अस Similarity of every human beings belonging any place, any country। व्यक्ति जो है वो किसी भी प्लेस से संबंधित हो, वो फॉरेन नहीं होता, विदेशी नहीं होता। ये हमारे आपके हमारी आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो विदेशी है, बट ऐसा कुछ नहीं है। व्हाई इट हैज बीन सेड, व्हाई? बिकॉज ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर सेम, ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर सिमिलर, दे हैव सेम बॉडी, सेम स्ट्रक्चर, दे आर नॉट डिफरेंट। तो डिफरेंट नहीं है। यस, डिफ्रेंसिएशन कैसे क्रिएट होता है? बाय देयर लैंग्वेज, बाय देयर लिविंग स्टैंडर्ड, बाय देयर वेयरिंग सिस्टम। सो देयर आर सो मेनी सिस्टम्स दैट क्रिएट डिफ्रेंसिएट अमंग द मैन वुमेन बिलोंगिंग डिफरेंट कंट्रीज। विभिन्न देशों के लोगों के बीच जो डिफ्रेंसिएशन क्रिएट होता है, उनकी कास्ट, नेचर, बिहेवियर, लैंग्वेज, इन सभी को लेकर के होता है। बाकी देखा जाए, सभी मानव जातियाँ एक हैं, सभी ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, ईश्वर के संतान हैं, सबके पास वही बॉडी है। सिर्फ लैंग्वेज, कास्ट, रिलीजन, अदर्स, इसको लेकर के डिफ्रेंसिएशन सामने आता है। इसी चीज को इस पोएम के माध्यम से पोएट समझाने की कोशिश किया है। नाउ जस्ट आई टोल्ड यू समरी, शॉर्ट समरी, शॉर्ट एंड क्लियर समरी ऑफ दिस पोएम। नाउ लेट्स स्टार्ट स्टेंजा एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट The poet has tried to explain us. Remember, ये chapter आपका है। This is just I showed you poem name. Remember, no men are foreign, no men are strange, no countries foreign. Breathe all uniforms, a single body breathes like ours and land our brothers walk upon is earth like this in which we all shall lie। याद रखिए, कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता, कोई भी देश विदेश नहीं होता। सब इसी यूनिफॉर्म के नीचे, सबकी बॉडी सेम है। हर कोई, एवरीवन puts on different type of clothes, different types of clothes,
but under clothes there is same body. Like ours, हमारी तरह से ही the land our brothers walk upon. जैसे हम अपने इस लैंड पर चलते हैं, घूमते हैं, वर्क करते हैं, just like us, everywhere in every country, people work, walk here and there to fulfill their purposes. They too aware of sun and air and water are fed by peaceful harvest by peaceful harvest by years long winter storm. Their hands are ours and in their lives varied are never not different from our own. They refer to the foreigner. विदेशियों के लिए देश सदा हुआ है. जो विदेशी हैं, as we are aware about sun, air, water, जैसे सन को जानते हैं, एयर को जानते हैं, वाटर को जानते हैं, फ्रॉम द सन वी गेट सनलाइट, फ्रॉम द एयर ऑक्सीजन, फ्रॉम द वाटर ऑल्सो ऑक्सीजन. जिस तरीके से हम इनसे परिचित हैं, ठीक उसी तरह से तो ये सब चीजें बहुत आवश्यक है मानव लाइफ के लिए, किसी भी लाइफ के लिए. और ये सब शांतिपूर्ण फसलों के माध्यम से ही होते हैं. वेरी पीसफुली दे नरिश, वे पलते पोसते हैं. बाय वर लॉन्ग विंटर्स, और अगर लॉन्ग विंटर स्टार्ट होता है, युद्ध लिखा है वार, तो वार से लोग भूखों मरते हैं. वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्ट, लंबी युद्ध से लोग भूखों मरने लगते हैं, क्योंकि लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं, चोट खाते हैं, प्रॉपर वे में उनको भोजन नहीं मिलते हैं और भूख और प्यास से मर जाते हैं. भूख और प्यास से कमजोर होते हैं, या तो खुद मर जाते हैं या तो मार डाले जाते हैं. Their lands are ours, उनकी जमीनें जो हैं, their hands are ours. As I have hands, जैसे हमारे पास हाथ हैं, उनके पास भी हाथ हैं. In their lives we reach, और जिस तरीके से उनकी हस्त रेखाएं होती हैं, हाथों में उनके हाथों की रेखाओं में जैसे हम परिश्रम करते, वैसे भी परिश्रम करते. As we labor, just like us, they also labor. Shortcuts on Jesus को. कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है. बस वो अपने तरीके से वर्क करते हैं, हम अपने तरीके से वर्क करते हैं. आर लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन. लेबर डिफरेंट नहीं है, करने के तरीके अलग हैं कि हम कुछ और तरीके से, वो कुछ और तरीके से. रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स, हमारी तरह से उनके पास भी आंख होते हैं, वे भी सोते हैं और जागते हैं और शक्तियां एकत्रित करते हैं कुछ काम करने के लिए. बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, हर लैंड पर, हर लैंड मींस कंट्री, एवरी प्लेस, हर प्लेस पर कॉमन लाइफ होती है, जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है, समझा जा सकता है. याद रखें, व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब भी हमें बताया जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवर सेल्फ, कि भाइयों से घृणा करो. अगर जब भी हमें बताया जाता है, घृणा करने के लिए कहा जाता है, तो समझ लीजिए वी हेट आवर सेल्फ, तो हम स्वयं से घृणा करते हैं. व्हाई? बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स जस्ट लाइक अस, दे आर आल्सो. अगर हम उनसे घृणा करते हैं, मनुष्य हैं, सब जो हम अपने से घृणा करते हैं. दैट सेल आवर डिस्पोजेसेस बिट्रे कंडेम, तो अपने से हम लोग करते हैं. स्वयं को ही घृणा कर डालते हैं. वी क्रिटिसाइज आवर सेल्फ, हम लोग स्वयं का क्रिटिसाइज करते हैं, स्वयं की निंदा करते हैं.
स्वयं को धोखा देते, बिट्रे, कंडेम स्वयं का क्रिटिसाइज करते हैं। याद रखिए, वी हम ही सभी लोग हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम ही लोग हैं, हम ही सभी इंसान हैं, एक दूसरे के प्रति डिस्प्यूट स्टैंड करते हैं, हाथ उठाते हैं। इट मींस वी स्टैंड, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। वी टेक अप डेंजरस इंस्ट्रूमेंट वेपन्स टू फाइट टू इच अदर। इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन। ह्यूमन अर्थ तो मनुष्यों की पृथ्वी है जो प्रदूषित है। डिफाइन मीन्स पॉल्यूटेड। आवर हेल्स आर फायर, और हेल्स आर फायर डस्ट और ट्रेस द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन। रिमेंबर नो मैन। तो हम भी सभी लोग हैं, ये मानव पृथ्वी है जो हम इसको पॉल्यूट करते हैं, इसको प्रदूषित करते हैं, अपवित्र करते हैं। और ये हमारी ही र्यूडनेस है, हमारी सभ्यता है, और हमारी सभ्यता की आग से ही, आग और धूल से ही एयर इज पॉल्यूटेड। हवा बिल्कुल पॉल्यूट हो जाती है, गंदी हो जाती है। दिस एयर इज एवरीवेयर। सो प्लीज रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं होता। नेदर नो कंट्री इज फॉरेन, न ही कोई देश विदेश होता है। दिस पोएम हैज बीन कंप्लीटेड। टुमारो आई विल सेंड समरी क्वेश्चन आंसर एंड यू विल राइट इन योर कॉपी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।